और अब एक बड़ी खबर भरतपुर के कुम्हेर से, जहां पर पुलिस कस्टडी में एक शख्स ने सुइसाइड कर लिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया है और सूचना पर आईजी भी पहुंच चुके हैं मौके पर। एसपी और सीओ ग्रामीण, एसडीएम सभी मौके पर हैं और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक युवक प्रहलाद धापा का नगला का रहने वाला था और पुलिस ने युवक को कल गिरफ्तार किया था। और हमारे साथ एसपी केसर सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे जानते कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। केसर जी, क्या ये पूरा मामला था, क्यों गिरफ्तार किया गया था इस शख्स को? रात्रि गश्त में पुलिस का जो गश्ती दल था उसको एक व्यक्ति शराब पीते हुए मिला, मोटरसाइकिल थी। जिस क्षेत्र में वो मिला उसके आसपास के क्षेत्र में कई वारदातें हुई थी विगत दिनों में, एटीएम के साथ छेड़छाड़ इस तरह की। तो उस संदिग्ध स्थिति को देखते हुए उन्होंने उसको पूछताछ की और 60 पुलिस एक्ट में उसको गिरफ्तार किया, ले जाकर के उसको थाने में निरुद्ध किया और गश्ती दल वापिस गश्त में चला गया। रात्रि समय में इसने जो हवालात में नीचे बिछाने की कंबल थी उसके 2-3 स्ट्रिप बना करके और हवालात का गेट था उसके बांध करके उसने हैंगिंग से सुसाइड कर लिया। लेकिन केसर जी, सुइसाइड जैसा कदम उठाने की नौबत कैसे आई और यहाँ तक ये कहा जा रहा है परिजन जो कह रहे हैं कि हत्या की गई है? जैसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, आईजी मैडम, मैं खुद वहां पे गए थे। सीजीएम अभी जुडिशियल इंक्वायरी कर रहे हैं, एफएसएल टीम भी गई थी। उस मृतक के शरीर पर कोई ऐसा चोट का निशान नहीं है और अपेरेंटली उसकी सुसाइड है वो प्रमाणित है। फिर भी इस संबंध में चूंकि जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है सीजीएम के द्वारा, इसलिए मेरी तरफ से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता जी। और अभी वहां पर जो हालात है उसको लेकर के अपडेट आपके पास, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि परिजन काफी आक्रोशित हैं और शव लेने से इनकार भी कर दिया गया है। हालांकि परिजनों को समझाइश की गई थी लेकिन उनको ये आशंका थी कि किसी तरह की कोई साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, उनको समझाइश की गई है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, इसमें पुलिस की कोई दखल नहीं रहती, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा और कॉज ऑफ डेथ मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। इसमें अगर किसी का कोई भी संलिप्तता हुई और कोई भी दोषी पाया गया तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी जी। लेकिन केसर जी, ये मानेंगे आपकी पुलिस कस्टडी में अगर कोई शख्स मरता है या सुइसाइड करता है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो वाकई में पुलिस पर भी सवाल उठते हैं और एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पर आप जैसे अधिकारियों के आगे भी? ये कहना सही है कि पुलिस कस्टडी में डेथ होती है तो पुलिस की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जहां तक कहीं कोई लापरवाही का तथ्य तो हो सकता है, लेकिन पुलिस का कोई टॉर्चर किया हो या उसके साथ ज्यादती की हो ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं है। अच्छा, वहां पर उस दौरान कौन कौन था, जो जो पुलिस वाले थे, क्या आपने उनसे पूछताछ की, उनके बयान को क्या दर्ज किया गया? अभी पुलिस चूंकि कस्टडी कस्टोडियल डेथ है इसलिए इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होती है, वहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो उनके बयान ले रहे हैं और जांच कर रहे हैं जी। तो केसर जी, क्या अब तक कोई कार्रवाई की बात भी आप कह रहे हैं क्योंकि कस्टोडियल डेथ में पुलिस पर सवाल उठते हैं, ऐसे में क्या किसी पर कोई कार्रवाई होगी? इसमें जुडिशियल इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट आएगी और उसमें किसी के खिलाफ अगर कोई दोष साबित पाया जाता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो मजिस्ट्रियल जांच की बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन केसर जी, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं अभी भी थाने के बाहर लोगों का हुजूम है, आप इनको कैसे टैकल करेंगे, आप कैसे इनको समझाइश देंगे? अभी उनको समझाइश की गई है कि ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि पुलिस की टॉर्चर के कारण उसने सुसाइड किया हो। अब ये इट इज ए मैटर ऑफ इंक्वायरी की क्यों उसने सुसाइड किया, वो मजिस्ट्रियल जांच से सामने आएगा। और इसके बावजूद भी अभी पूरी संयम के साथ में पुलिस इस सिचुएशन को डील कर रही है और ऐसे हालात में देखते हैं अक्सर की स्थिति बिगड़ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, आपकी तरफ से किया जा रहा है? उपलब्ध है, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे निरंतर हमारा संवाद कायम है और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति सामने आएगी और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया केसर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो एसपी केसर सिंह वो कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पर जो पुलिस वाले थे उनसे बात की और उनका कहना है कि बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं है, किस तरह का कोई जख्म नहीं है जिससे ये हो कि उस शख्स के साथ मारपीट की गई थी। लेकिन अब जब कस्टोडियल डेथ है, ये अगर पुलिस कस्टडी में सुइसाइड का मामला है तो जांच की जा रही, मजिस्ट्रियल जांच की बात यहां पर कही जा रही है और उनका कहना है कि इस पर फिर कुछ कहना गलत होगा, रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन किस तरह से लोगों में आक्रोश है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज ऋतु पुलिस
पुलिस के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने पाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सुभाष, अभी एसपी केसर सिंह से बातचीत यहाँ पर हमारी हुई है, उन्होंने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और मजिस्ट्रेट जांच की बात भी यहाँ पर की गई है। आप वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, किस तरह के हालात वहाँ पर देख रहे हैं और क्या कुछ अपडेट फिलहाल? चाहूंगा कि हालात यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। ग्रामीण ट्रक ट्रॉली में भर के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थाने के बाहर और अंदर बहुत जबरदस्त भीड़ हुए और महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। परिवार के लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुभाष? अधिकारी अभी कुछ ही बोलने से कतरा रहे हैं, दूर रहे हैं, अभी मीडिया से दूरी बना रखी है। बाकी ये कह रहे हैं कि यह जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं इस मामले में कि हुआ कैसे है। अच्छा सुभाष, एक चीज जानना चाहेंगे, जो अभी आप एसपी साहब से जुड़े थे वो कह रहे हैं कि जो बॉडी है उस पर कहीं पर भी कोई चोट का निशान नहीं है, जिससे ये स्पष्ट है कि मारपीट नहीं की गई, लेकिन हकीकत क्या है? तो ये बता रहे हैं कि उनकी पीठ पर चोट का निशान बता रहे हैं, पीठ में है, उनके गले पे भी निशान है, जो उन्होंने आत्महत्या की है कंबल का टुकड़ा लगा फाड़ करके। बाकी ग्रामीण ये कह रहे हैं कि कंबल से कोई फांसी नहीं लगा सकता, जबकि ये खोजी रहा है और ये ऐसा कदम उठा नहीं सकता कि व्यक्ति सुसाइड कर ले। बिल्कुल सुभाष, ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया और एसपी से भी यहाँ पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा किसी चोट के निशान नहीं है, लेकिन आप कमर में चोट के निशान यहाँ पर बता रहे हैं, तो क्या मामला कैसे शुरू हुआ, कैसे ये अब ये युवक यहाँ पर आया, आपके पास कुछ अलग जानकारी यहाँ पर इसको लेकर? और ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि परिजनों की तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, थाने के बाहर हंगामा हो रहा है, परिजन अब क्या यहाँ पर मांग कर रहे हैं? परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं, बाकी मीडिया से भी सही न्याय की मांग कर रहे हैं कि हमने जो सही खबर है वही पहुँचाई जाए। जी सुभाष, लेकिन कई सवाल है कि एसपी साहब से अभी हमने बात की, क्या उन्होंने तथ्यों को छुपाने की कोशिश की है? क्योंकि उनका कहना है कि जो बॉडी थी उस पर कोई चोट के निशान नहीं थे, आप बता रहे कि पीठ पर चोट का निशान था, गर्दन पर चोट का निशान था, तो क्या एसपी साहब झूठ बोल रहे हैं? क्या वो अपने मातहतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। दूसरा जो अहम क्वेश्चन आपने बताया कि किस तरह से कंबल के जरिए फांसी की बात कही जा रही है, उसका जिक्र भी एसपी साहब ने नहीं किया, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये एक बड़ा सवाल है जिसको बार बार परिजनों की तरफ से उठाया जा रहा है। सवाल ये कि क्या आला अधिकारी इस पूरे मसले पर मजिस्ट्रियल जांच का एक पर्दा डालना चाहते हैं, ये कहकर फिलहाल के लिए अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि मजिस्ट्रियल जांच होगी, इसकी रिपोर्ट आएगी, तब तक चीजों को मैनेज किया जाए, क्या यहां पर उन पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश है जिनकी वजह से एक शख्स की जान गई? क्योंकि उतनी देर में, उन घंटों में आखिर ऐसा क्या हुआ जब आला अधिकारियों की माने, एसपी की माने कि कोई मारपीट नहीं हुई थी, तो सुसाइड की नौबत कैसे आई, कस्टोडियल डेथ कैसे हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत कुछ यहाँ पर ऋतु समझ में आता है कि हमारे संवाददाता रियलिटी जो बता रहे हैं और जो एसपी साहब कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, ये फर्क यहाँ पर साफ जाहिर होता है और अब देखना होगा कि जब मजिस्ट्रेट जांच होगी तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन सुभाष हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। सुभाष, अब स्थिति को संभालने की बात यहाँ पर कही, जैसा कि आपने कहा कि स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण बनी हुई है, फिलहाल कितना यहाँ पर जाब्ता तैनात किया गया है और किस तरह से इस पूरी स्थिति को यहाँ पर जांचा जा रहा है? भारी संख्या में यहाँ पर जाब्ता तैनात है, ग्रामीण यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो ग्रामीणों ने पुलिस को चेतावनी भी दी है, यदि पुलिस ने अपने बल प्रयोग किया तो स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। तो बिल्कुल हालात यहाँ पर खराब हो सकते हैं, क्योंकि परिजन अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि वो रिटायर्ड फौजी था, सैनिक था, वो इस तरह से कदम नहीं उठा सकता, जो जिंदगी भर नहीं टूटा वो इतनी सी देर में कैसे टूट सकता है? तो कई सवाल हैं, सवाल यहाँ पर पुलिस अधिकारियों पर भी है, जो फर्स्ट इंडिया बार बार पूछ रहा है कि आखिर ये अंतर क्यों, ये क्यों कहा जा रहा है कि बॉडी पर चोट के निशान नहीं है? हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हवाला दिया जा रहा है कि उसका भी इंतजार करना होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि इसके पहले भी अलवर में भी हमने देखा था कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया था ऋतु, तब ये कहा गया था कि मामले की जांच की जाएगी, लेकिन जब बार बार कस्टोडियल डेथ सामने आते, पुलिस कस्टडी में इस तरह से मौतें होती हैं, तो सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर, सवाल उन पुलिस वालों पर जो रक्षक हैं, लेकिन किस तरह से यहां पर अपनी कार्यशैली को अंजाम दे रहे हैं। रो रहे हैं परिजन, उनके कई संगीन आरोप हैं, लेकिन मजिस्ट्रियल जांच की बात कही जा रही है। थाने के बाहर आप भीड़ देख सकते हैं, पुलिस जाब्ता हालांकि एहतियातन तैनात किया गया है, लेकिन हंगामा जारी है वहां पर, स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है।